स्टार्स लेने हैं तो क्विट नहीं करना है, ठीक है। केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं, मेनली जो टॉपिक्स आते हैं वो एज इट इज क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में, तो मेन टॉपिक है आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोबार्स, ये सारे दो तीन टॉपिक्स हैं जो आ जाते हैं। एज इट इज इनकी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन ये क्या होते हैं, तीन ऑप्शन आपको बोल देंगे कि इनमें से कौन से आइसोटोप है, या तीन स्टेटमेंट्स दे देंगे उसमें से कौन सी सही है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ आज के लेक्चर में, और एक चीज और बताऊंगा कि इनको इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं, तीन टॉपिक को जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, टाइम नहीं है ज्यादा। स्टार्ट करते हैं आइसोटोप्स। तो आप लोग ने टेंथ तक तो पढ़ाई है कि आइसोटोप्स होते क्या है। मेनली आइसोटोप्स की बात की जाए, आइसो मीन्स होते हैं सेम, है ना, आइसो का याद करना है तो आइसोटोप्स, इसका मतलब होता है सेम एलिमेंट। ये चीज कुछ कीवर्ड्स हैं याद रखना, आइसोटोप में होते हैं सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप्स आर द एलिमेंट्स विच हैव, आइसोटोप आर द सेम एलिमेंट्स विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, जिसमें ये तीन क्वालिटीज आती हैं उसे आइसोटोप कहते हैं। जैसे एग्जांपल आपने सबने पढ़े हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम, और एक चीज ऐसे क्वेश्चंस यहां पे आप लिखते हैं एटॉमिक नंबर और यहां पे मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, तो ऐसे याद रखना कि जेड एम, और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। ये चीज हमारी याद करने की कि एटॉमिक नंबर है ये, मास नंबर रिप्रेजेंट, एटॉमिक नंबर को जेड से करते हैं और मास नंबर को ए से। तो ये दोनों चीजें जो आपको याद रखनी है, फिर से बता रहा हूं कि जेड कोई एलिमेंट होगा, ऊपर जो लिखा होता है वो मास होता है, नीचे लिखा होता है एटॉमिक नंबर। जेड को एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से और मास नंबर को करते हैं ए से। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस यहां से एक क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि एटॉमिक नंबर क्या है, कोई एलिमेंट दे दिया मान लो हाइड्रोजन का ही दे दिया 1s, तो इसमें मास नंबर कौन सा है, एटॉमिक नंबर कौन सा है, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। और बाकी इसके एग्जांपल्स इसे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, इसके तीन मास है तो ट्रिटियम, दो मास है तो ड्यूट्रियम, 1 है तो प्रोटियम, ये आइसोटोप के एग्जांपल। और ये तीन वर्ड्स जो आपको याद रखे, तीन स्टेटमेंट्स आपको याद रखें, चौथा वर्ड, चौथा कुछ भी ला सकते हैं, नन ऑफ द अबव भी दे सकते हैं। बाकी आइसोटोन्स की बात की जाए, आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स में आप देख रहे होंगे यहां पे आ रहा है TONE, एन फॉर न्यूट्रॉन। आइसोटोप थे सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, वेरियस आइसोटोन्स में क्या होता है डिफरेंट, क्योंकि कोई भी दो नंबर, दो एटॉमिक नंबर के कोई दो नंबर होते नहीं है, सबका अलग अलग एटॉमिक नंबर होता है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। किसी एक एलिमेंट के दो एटॉमिक नंबर होते नहीं है, मतलब एक ही एटॉमिक नंबर पे दो एलिमेंट होते नहीं है। सो आइसोटोन्स आर द एलिमेंट्स, आइसोटोन्स आर द डिफरेंट एलिमेंट्स, वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम न्यूट्रॉन्स। ये चीज याद रखनी है, आइसोटोन के लिए न्यूट्रॉन की बात होती है इसमें, आइसोटोन एन से पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉन, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे और सेम न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स, जिनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होते हैं और सेम न्यूट्रॉन्स, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनकी न्यूट्रॉन्स की इनकी संख्या बराबर होती है, जैसे C6H14, ठीक है, और N7H14, ये दोनों आइसोटोन्स के एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स पूछे नहीं जाते हैं, बस पूछे जाते हैं तो ये स्टेटमेंट एज इट इज क्वेश्चन में आ जाती है। आइसोबार की बात की जाए, आइसोबार आपको बताती है कि
डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे इसमें, डिफरेंट एलिमेंट्स, और सिंस एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, तो सेम चीज क्या होगी इसमें, सेम चीज होगी इसका, बताइए याद है किसी को, आइसो बार्स में सेम चीज होगा उसका मास, मास नंबर सेम होंगे, सेम मास नंबर, ये आइसोबार्स की डेफिनेशन है। तो ये तीन डेफिनेशन आपको याद रखनी है जहां से क्वेश्चंस एज इट इज पूछे जाते हैं कि आइसोटोन बताइए, आइसो इलेक्ट्रॉन बताइए, आइसो प्रोटॉन बताइए, सॉरी आइसोटोप्स बताइए, आइसोटोन बताइए, आइसोबार्स बताइए, इनमें से क्या है, तीन स्टेटमेंट दी जाएंगी आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक और इसमें आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नेक्स्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, या इसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बात है इसमें इलेक्ट्रॉन आया है आइसो इलेक्ट्रॉन, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट्स, वो अलग अलग एलिमेंट्स, वो अलग अलग एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अलग होगा उनका, और क्या चीज अलग होंगी, लेकिन उनके सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, और क्या चीज सेम होगी, और जो चीज सेम होगी वो कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये तीन चीजें हैं जो सेम होंगी, आइसो इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें याद रखने वाली बात यह है, ये किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी आयन, किसी भी एटम की बात हो रही है, किसी भी आयन एटम और मॉलिक्यूल में अगर सेम एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले ही उनके डिफरेंट एटॉमिक नंबर होंगे, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, उन्हें आइसो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये पिछली कुछ सालों में पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। आइसो इलेक्ट्रॉन सेम इलेक्ट्रॉन होंगे मॉलिक्यूल्स आयन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आयन एटम्स में, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो ये चार डेफिनेशंस आपको याद रखनी है अगर केमिस्ट्री में इस चैप्टर में कुछ आएगा आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसोटोप, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉन में से, तो वो यही चार चीजों में से एक कोई चीज पूछ लेंगे। बाकी जो चीज पूछ सकते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले बताया मैंने, यहाँ पे मास नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की। एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 दिन में अगर कुछ आ सकता है 3-4 क्वेश्चन, तो वो ये हैं इस चैप्टर में से। आगे तो पता ही है क्या करना है, डाउट्स क्लियर करा लो, अभी टाइम है डाउट्स क्लियर कराने के लिए। जो कुछ भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट्स में लिखो, कमेंट्स में ही आपको रिप्लाई कर देंगे। नंबर आपको बताया था, बहुत इजी ऑन माइंड नंबर है 7088705। वेन एवर यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर ऑलवेज वेलकम हियर। ओवर टू सुमित सर। थैंक यू सर। जैसे सर ने बताया इजी टू रिमेम्बर नंबर है, कोई डाउट हो तो आप हमें पूछो, नंबर यहाँ लिखा हुआ है 7088705। तो 3-4 लेटर याद करने 708705, बाकी इतना देख लेना, 8 3 बार है, 5 3 बार है हमारा, ठीक है, 7088705। तो इस पे आप हमें कांटेक्ट करो, या सबसे आसान तरीका तो वही है, नीचे कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, आंसर मिलेंगे, बाकी आपको और ज्यादा सुविधा दी जाएंगी, फैसिलिटी दी जाएंगी। इतने क्वेश्चन है साहब आपको, और बाकी अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो भी सेम यहाँ पे आओ, या इस पे आओ, या इस पे आओ, ठीक है। बाकी कॉल वाला तो अलग सीन है, बाकी कमेंट करो, सब कुछ मिलेगा। बाकी किसी और सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, या कोई और टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, जैसे टाइम एंड वर्क, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम करने वाले हैं कल तक, ठीक है। तो अगर उसमें और कोई डाउट हो तो वो क्वेश्चंस भेजो हमारे पास, वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। शुक्रिया।